हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं लबीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के पास और आज मैं आपको डॉक्टर सौरभ और हमारे स्टूडेंट्स अजय दोनों के बीच की बातचीत को दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि क्रॉक निकालने के बाद बच्चे किस तरह से यहां पे अपनी बाकी की तैयारियां करती है। यूनिवर्सिटी बहुत ही शानदार है और इसके बारे में जितना भी ज़्यादा बताया जाए बहुत ही कम है। नंबर वन यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। बाकी बातचीत आप सुने, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर एट लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द यूक्रेन। सो टुडे वी हैव आवर वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, मिस्टर अजय। ही इज़ फ्रॉम हरियाणा, सो लेट्स टॉक टू हिम। हेलो अजय। यस सर। हेलो, कैसे आप? कहाँ से हो इंडिया में? मैं इंडिया में जींस हूँ सर। जींस से हो? तो आप कौन से ईयर में पढ़ रहे हो अभी? मैं फोर्थ ईयर में हूँ। फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हो, तो आपको कैसी यूनिवर्सिटी लगी लवीव नेशनल? लवीव मेरे को यूक्रेन की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ का क्रॉक का रिजल्ट भी 100% ही आता लगभग, और जो इंडिया में बच्चे जाते हैं वो 90% बच्चे को वहाँ पे MCI भी निकालते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप 2017 में यहाँ आए थे, तो आपका आने की जर्नी यहाँ कैसी रही? मतलब आपको क्या फैसिलिटीज हमारी तरफ से मिली? आपने सर मेरा वहाँ इंडिया में वीजा लगवाया था, फिर आपने मेरे को बंदा दिया जो मेरे को एयरपोर्ट से पिकअप किया, और उसके बाद मेरे को कीव एयरपोर्ट से लवी मेडिकल हॉस्टल है उसमें मेरे को रूम तक छोड़ा और वहाँ आपको सब कुछ बताया अपने वहाँ। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको बताइए कि कई लोग पूछते हैं भाई यूनिवर्सिटी का मतलब सिटी कैसी है और यहाँ की स्टडी वाइज कैसे है, तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि आप ऑलरेडी तो क्रॉक पास कर चुके हैं, इसलिए हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आज। देखो लवीव सिटी, आप जैसे कि अपने इंडिया में चंडीगढ़ गुड़गांव जैसे एरिया है, पूरा मतलब मेट्रो सिटी है और आपको हर सुविधा मिलेगी यहाँ से। इंडियन फूड, इंडियन हॉस्टल, सब कुछ हॉस्टल के साथ अटैच है, और आपको मतलब खाने की रहने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई यहाँ पे ना कोई क्राइम रेट है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई डिस्टर्ब करेगा आपको। जिसको पढ़ना है वो पक्का यहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी भी अच्छी है। और एक बात, जैसे कि काफ़ी सारे कंसल्टेंट इंडिया में बच्चों कंफ्यूज करते हैं यूक्रेन के बारे में कि यहाँ एक क्रॉक का टेस्ट है, तो आप ऑलरेडी क्रॉक पास कर चुके, तो आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे भी वो कैसा एग्ज़ाम है? वो बहुत ईजी एग्ज़ाम है, आप पहले 3 साल जो पढ़ोगे वही आएगा, और आपको क्वेश्चन पहले से दिए जाएंगे, लगभग आपको 6000 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से ही पेपर बनना है, उनमें से ही 200 क्वेश्चन आने हैं, और सब आपके ऑप्शनल होते हैं, मतलब MCQ टाइप के होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 6000 क्वेश्चन पढ़ोगे आराम से, 3 सालों में आराम से पास करोगे। तो बच्चों को क्रॉक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ईजी एग्ज़ाम है, जो यहाँ आ गया तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे कि वो यहाँ आए या ना आए स्टडी के लिए? मैं तो बोलूँगा कि इंडिया में अपना टाइम ख़राब मत करें कोचिंग में। मैंने भी अपना टाइम ख़राब किया था, पर मेरे को जब मैं कोचिंग कर रहा था तो मेरे जब नहीं हो रहा था, मैं 3 साल कोचिंग करके परेशान हो गया था, तब मेरे को डॉक्टर सौरभ मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि परेशान मत हो, मैं क्योंकि बहुत डिप्रेशन में चला गया था, तो सर ने मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकाला, बहुत मैं मेंटली प्रिपेयर किया, फिर घर वालों को मनाया, फिर सर ने मेरे को घर से पिकअप करके ले गए स्पेशल प्राइवेट कार करके। तो आप यहाँ आके अभी खुश हो? आपको कोई ऐसा फील नहीं है कि आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला? नहीं, मैं आके ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को तो सिर्फ इस बात का रिग्रेट है कि मैं पहले क्यों नहीं मिला सर से, इतना लेट क्यों हो गया, मैं 3 साल क्यों बर्बाद कर दिया मैंने इंडिया में, पहले मिल रहा था तो मेरे को पहले ले जाते। चलो ठीक है, ठीक है, चलो अजय, थैंक यू आपका। थैंक यू सर। ओके।